स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ट्रैवलिंग विद अनंसा एंड विशाल के एक और सीरीज पे। और इस बार का सफ़र होगा सिलीगुड़ी इंडिया से नेपाल की जन्नत कहे जाने वाली जगह मुस्तान तक। इस सीरीज को हम लोग ने दो भाग में डिवाइड किया है और सबसे पहले हम लोग आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी से पोखरा तक का सफ़र। वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि अभी इंडिया से नेपाल जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कोविड का क्या रूल है नेपाल में, नेपाल एंट्री करने के लिए क्या चाहिए और पोखरा कैसे पहुंचना है नेपाल से, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए हुए ये वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही आप पानी टंकी पहुँचोगे वहाँ से सबसे पहले आपको जाना होगा मेची ब्रिज तक, जहाँ पर SSP का चेक पॉइंट है। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा जाएगा। सबसे पहले आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपका आधार कार्ड वहाँ पे वैलिड नहीं होगा नेपाल एंट्री करने के लिए। या तो आपके पास वोटर कार्ड होना पड़ेगा या तो पासपोर्ट होना पड़ेगा, आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा। इंडियन व्हीकल को फिलहाल SSP चेक पॉइंट से आगे जाने की कोई परमिशन नहीं है, तो आपको ब्रिज से ऐसे ही चल के ही जाना पड़ेगा नेपाल की तरफ। नेपाल का बॉर्डर टाउन काकरभिटा से आपको पोखरा जाने के लिए सिर्फ 4 बस है और फर्स्ट बस आपको 4 बजे मिलेगी और लास्ट 5:30 का। सीजन में आपको काकरभिटा से पोखरा तक जाने के लिए बस फेयर होगा नेपाली रुपी 1500 से 2000 तक। ऐसे ही सुबह आँख खुली तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था, बस कुछ ही घंटों में हम लोग पोखरा पहुंचने वाले थे। गंडकी नदी को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और पोखरा जैसे ही एंट्री किया सबसे पहले हम लोग ने देखे दूर से अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज।
छपरा में रहने के लिए आपको अच्छे अच्छे होटल मिलेगी लेक साइड में। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा हलन चौक और उसके आसपास में ही आपको पोखरा का बेस्ट होटल और रीजनेबल रेंज में मिलेगी। अगर इंडियन रुपी में कहा जाए तो आपको अच्छा और रीजनेबल होटल का स्टार्टिंग रेंज होगा 1000 रुपीज़।